नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, राजिया सुल्ताना जैसी वीरांगनाओं का शौर्य दिखा हो, जिस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी देश के दो टुकड़े कर डाले हों, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से हर दिन आए दिन हर अखबार पटा रहता है, जिस देश में आईटी से लेकर स्वास्थ्य तक, शिक्षा से लेकर राजनीति तक महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी हो, वहीं जब सेना की बात आती है तो महिला सशक्तिकरण आंकड़ों के आगे बहुत छोटा दिखने लगता है। नौबत ही आ जाती है कि महिलाओं को कोर्ट तक का रुख करना पड़ जाता है, वहां से उनके पक्ष में फैसला आने के बावजूद उनका संघर्ष जारी रहता है, भविष्य अनिश्चितताओं से घिर जाता है। मैं बात कर रही हूं इंडियन आर्म फोर्सेस में महिलाओं की भागीदारी की, हिस्सेदारी की। चलिए जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश की जो आधी आबादी है यानी महिलाएं, उनकी भारतीय सेना में हिस्सेदारी बहुत कम है। ये आप आंकड़े यहां पर देख लीजिए, पुरुष बनाम महिला कितना आपको दिखाई दे रहा है, इतना महिलाओं की भागीदारी इतनी है, मिनिस्क्यूल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां पर आंकड़े क्यों बताने लग गई, वो इसलिए क्योंकि जो बड़ी समस्या है उसका जन्म इन आंकड़ों से ही हो रहा है, यानी संख्या बल। शायद यही आंकड़े जिससे कि संख्या बल कम हो जाते हैं महिलाओं की, जरूरी फैसलों में महिलाओं का पक्ष अनसुना कर दिया जाता है, क्या इन्हीं संख्या बल और इन्हीं आंकड़ों की वजह से? कई साल से महिलाएं सेना में परमानेंट कमीशन की मांग कर रही हैं। 2009 तक कई महिला ऑफिसर्स ने कई सारी याचिकाएं दायर की, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो महिलाएं रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची हैं, उन्हें स्थायी कमीशन दिया जाए, उन्हें प्रमोशन जैसे लाभ भी दिए जाए, और साथ ही ये बात भी मानी कि हम महिलाओं पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें उनका संवैधानिक हक दिला रहे हैं। शुक्रिया दिल्ली हाई कोर्ट, आपने कम से कम ये कहा तो सही और माना तो सही। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि इतने सालों से जो ये लड़ाई चलती आ रही है, इतने सारे जजमेंट पास हो चुके हैं, उसके बाद भी आर्मी की तरफ से ढिलाई बरती जा रही है और वो इस ऑर्डर को पूरी तरह से पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाईकोर्ट ने 2010 में बोल ही दिया था कि आपको परमानेंट कमीशन ग्रांट होना है, तो आपकी तरफ से कोई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए थी इन लेडी ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि पिछले दो दशक यानी कि 2010 से पहले भी ऑलमोस्ट टू डेकेड्स तक लेडी ऑफिसर्स इंडियन आर्मी में सर्व कर रही थी, तो कभी ना कभी तो आपको ये पीसी वाला फैक्टर देखना ही पड़ता ना। तो आप कोई एक ऐसी पॉलिसी तब तक आप निकाल सकते थे, या फिर आप स्लोली स्लोली कोर्स वाइज धीरे धीरे आप इन लेडी ऑफिसर्स को छोटे नंबर के हिसाब से आप पीसी को में कंसिडर करते, इनको आप तरीके से देखते। आपने इतना बड़ा बैकलॉग क्रिएट कर दिया पिछले दो से तीन दशक के बीच में, आपने करीब 615 टोटल लेडी ऑफिसर्स थी जिनको कंसिडर किया गया था। एटलीस्ट अगर आप थोड़ा आराम से धीरे धीरे इस चीज को कंसिडर करते हुए कोर्स वाइज या एक छोटे नंबर को आप पीसी ग्रांट करने की अगर थोड़ी सी आपने पहल की होती तो इतना बड़ा बैकलॉग भी क्रिएट नहीं होता और इतनी बड़ी कंफ्यूजन भी ना क्रिएट होती जो इस वक्त हो रखी है। ये 72 लेडी ऑफिसर्स ने लीगल नोटिस तक भेज दिया है इंडियन आर्मी को, और अब अगर वहां पे भी जाके इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो डेफिनेटली इनके पास कोई विकल्प नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने का। पहली बात तो यह है कि महिलाओं को इतना संघर्ष ही क्यों करना पड़ रहा है जो कि पुरुषों को नहीं करना पड़ रहा। लेकिन इसमें हुआ ये कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसको नौसेना और वायुसेना दोनों ने तो बहुत जल्दी से मान लिया और उस पर काम भी करना शुरू कर दिया, प्रक्रिया भी शुरू कर दी, लेकिन इंडियन आर्मी इसमें बहुत पीछे रह गई। अब मैं अगर मौजूदा स्थिति की बात करूं तो वर्तमान में इस वक्त
28 महिला अधिकारी ऐसी हैं जिन्हें सेना ने 12 सितंबर 2021 तक सेना छोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। अब इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सेना ने 615 महिला अधिकारियों में से 424 को, ध्यान रखिएगा, 424 को परमानेंट कमीशन दिया तो सही, लेकिन जो महिलाएं रिजेक्ट हो गई, जिन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिला, उनका आरोप यह है कि सेना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ठीक से पालन नहीं किया, उसे सही तरीके से लागू नहीं किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह कहता है कि परमानेंट कमीशन देते समय महिलाओं की पूरी सर्विस को ध्यान में रखा जाए, लेकिन इन महिलाओं का जिन्हें परमानेंट कमीशन नहीं दिया गया, उनका आरोप यह है कि सेना ने परमानेंट कमीशन पर फैसला करते समय ये उनके पहले 5 साल की जो सेवा थी सिर्फ उसे ही ध्यान में रखा, और 20 साल से ऊपर की जो शानदार सेवा और तजुर्बा था उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब 100 महिला अधिकारी ऐसी हैं जिन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिला है, 72 ऐसी हैं जिनका अलग अलग आधार पर रोक दिया गया है, और 28 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ 12 सितंबर तक का वक्त दिया है सेना छोड़ने का। इन महिला अधिकारियों का पक्ष है कि इन्हें परमानेंट कमीशन के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया, बेतरतीब तरीके से इन्हें बाहर का रास्ता ये कहकर दिखा दिया गया कि इन्होंने 60% स्कोर ही नहीं किया है, जबकि विडंबना यह है कि इन 28 महिला अधिकारियों को 5वें और 10वें साल के 2 चरणों में इन्हीं मानदंडों के आधार पर सेवा में विस्तार दिया गया था, और ये आगे भी उसे कर सकती थी। तो मतलब जिन आधार पर उन्हें 2 बार 2 चरणों में उन्हें सेवा का विस्तार दिया गया, उन्हीं मानदंडों पर उन्हें परमानेंट कमीशन में रिजेक्ट कर दिया गया, अनफिट घोषित कर दिया गया। इसी आरोप के तहत इन 28 महिला अधिकारियों ने आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल से गुहार लगाई और न्याय की मांग की। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने इसी साल 23 अगस्त 2021 को इनकी प्ली पर सुनवाई भी की, लेकिन वो जो फैसला था वो इनके पक्ष में नहीं आया। और 28 लेडी ऑफिसर्स का आज आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में जो हियरिंग थी उसमें फिर उनको ना कोई स्टे दिया गया है, ना उनको कोई रिलीफ दिया गया है, और उनको बोल दिया गया है कि 12 सितंबर आपकी आखिरी डेट है रिलीज की। और ये लेडी ऑफिसर्स वो हैं जो हाईली डेकोरेटेड हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, अकेडमी तक में ये डीएस तक रह चुकी है, मतलब फ्यूचर ऑफिसर्स को ट्रेन कर चुकी हैं ये लेडी ऑफिसर्स, इनमें से ऐसी भी कुछ लेडी ऑफिसर्स हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिस इंसान को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है फ्यूचर ऑफिसर्स को ट्रेन करने की, तो क्या वो सिर्फ एक पीसी के लायक नहीं है? उनके अगेंस्ट ऐसा क्या आपने पा लिया जो आप उनको कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं फौज से ये बोल के कि आप केपेबल ही नहीं है इंडियन आर्मी के? इन महिला अधिकारियों का कहना है कि आम तौर पर जब सेना से किसी की रिटायरमेंट होती है तो इतना समय उन्हें दिया जाता है ताकि वो आगे के लिए खुद को तैयार कर सके, कोई रीसेटलमेंट कोर्स कर सके ताकि आगे वो सेटल हो, लेकिन इनके केस में ऐसा भी नहीं किया गया। ये खबर, ये मुद्दा आपको बताना बेहद जरूरी था। उम्मीद है कि इन महिला अधिकारियों की बात सेना जरूर सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाते हुए इन्हें न्याय मिलेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारी महिला अधिकारियों का एक संघर्ष है, लंबा संघर्ष है जो कि चला आ रहा है, उनके साथ खड़े हों, उन्हें अपना अधिकार मिलते रहे, उन्हें अपने अधिकारों के लिए इतना लड़ना ना पड़े, उसके लिए घर घर तक ये बात जरूर पहुंचाइए कि हमारी महिला अधिकारी भी उतनी ही शिद्दत से देश के लिए काम कर रही हैं जितना कि पुरुष अधिकारी। तो ये भेदभाव क्यों? सत्यमेव जयते, जय। We'll be right back.